विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक अहम भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है। अभी तक भाजपा की दो लिस्ट जारी हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम दो लिस्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की अभी तक एक ही लिस्ट सामने आई थी जिसमें 99 उम्मीदवारों का नाम था। लेकिन अभी की बड़ी खबर है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट भी अब जारी हो चुकी है जिसमें 22 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं, यानी कुल मिलाकर बीजेपी के 181 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि बीजेपी 153 सीटों पर लड़ने वाली है, तो शिवसेना 80, तो वही दूसरी तरफ 55 सीटों पर राष्ट्रवादी कांग्रेस लड़ेगी। जो बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी हुई है उसमें कितने उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं वो हम आपको सिलसिलेवार से बता देते हैं। धुड़े ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से राम भदाणे, मलकापुर विधानसभा क्षेत्र से चैनसुख संचेती, अकोट विधानसभा क्षेत्र से प्रकाश भारसकले, अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से विजय अग्रवाल, वाशिम विधानसभा क्षेत्र से श्याम कोड़े, मेड़घाट विधानसभा क्षेत्र से केवलराम काळे, गढ़चिरौली विधानसभा क्षेत्र से मिलिंद नरोटे, राजुरा विधानसभा क्षेत्र से देवराव भोंगले, ब्रह्मपुरी विधानसभा क्षेत्र से कृष्णलाल सहारे, वरोरा विधानसभा क्षेत्र से करण देवतले, नाशिक मध्य विधानसभा क्षेत्र से देवयानी फरांदे, विक्रमगढ़ विधानसभा क्षेत्र से हरिश्चंद्र भोये, उल्लासनगर विधानसभा क्षेत्र से कुमार आयलानी, पेण विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र पाटिल, खड़कवासला विधानसभा क्षेत्र से भीमराव तपकीर, पुणे छावनी विधानसभा क्षेत्र से सुनील कांबळे, कसबापेट विधानसभा क्षेत्र से हेमंत रासने, लातूर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से रमेश कराड, सोलापूर शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र से देवेंद्र कोठे, पंढरपूर विधानसभा क्षेत्र से समाधान आवताडे, शिरळा विधानसभा क्षेत्र से सत्यजीत देशमुख, जत विधानसभा क्षेत्र से गोपीचंद पडळकर। जैसे कि आपने सुना कि ये जो लिस्ट है इसमें ग्रामीण महाराष्ट्र की ज्यादातर सीटें शामिल है। साथ ही इस उम्मीदवार की लिस्ट में केवल एक ही महिला उम्मीदवार है, बाकी सब पुरुष उम्मीदवार है। इस बीच कुछ सीटों पर अब भी महायुति में खींचतान शुरू है। आखिर ये बची हुई सीटों की लिस्ट कब जारी होती है ये देखना अहम होगा। आपको इस वीडियो के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहे MB Live से।